Next question. Question says, three liquids of density D, 2D and 3D are mixed in equal volumes. सवाल है, then the density of the mixture will be. Now again, आसान सवाल है. अपने को ये दिया हुआ है कि हमने जो मिक्स किया है यहाँ पे, तीन अलग अलग लिक्विड है जिनकी डेंसिटी D, 2D और 3D है. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, रो मिक्सचर जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री डिवाइडेड बाय वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री. तो डेंसिटी इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. नाउ इस केस में जो हमें दिया है वो दिया है कि तीनों का वॉल्यूम बराबर है लेकिन डेंसिटी तीनों की अलग अलग दी हुई है. सो उस केस में हम जो पहले वाला मास है एम वन उसको लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू डेंसिटी डी मल्टीप्लाइड बाय इट्स वॉल्यूम. दूसरे वाले की डेंसिटी 2D मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम. तीसरे वाले की डेंसिटी 3D मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय V प्लस V प्लस V. सो इसमें से ऊपर और नीचे अगर V कॉमन ले लें सो वो कैंसिल हो जाएगा. सो V बाय V, तो ऊपर बचेगा आपका D प्लस 2D प्लस 3D डिवाइडेड बाय 3. सो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ऊपर बना 6D. सो आपका डेंसिटी ऑफ मिक्सचर जो है वो आ गया 6D डिवाइड बाय 3 यानी कि 2D. सो दैट विल बी आवर फाइनल आंसर. बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी 2D वुड बी द करेक्ट चॉइस.